हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सिलेश फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉब स्मिट और इसे लिखे हैं एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश की स्टेन विंस्टोन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं डेशम हैरिंगटन और इसे स्टारिंग स्टार्ट दिए इलीजा इम्यूनल इमोनला इम्यु, ग्रीक जरेमी एसिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए इलिया किमरिल और इसके कंपनी कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित इंटरटेनमेंट रीजेंसी इंटरप्राइज अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स यूनाइटेड स्टेट फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है मई थर्टीन थ्री और इसका रनिंग टाइम एटी फोर मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोड हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन इलीजा को एजेसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज कॉर्बी केविन जेगर एज इवान रोज लिंडी लिन्... बोथ एज फ्रेंशन चाइल्ड जूलियन रिचिंग्स एज एंड्री थ्री फिंगर ऑर्डर्स गैरी रॉबिन्स एज एंड सेत ऑर्डर्स डेड क्लर्क एज डोर वन आई ऑडर्स यूवाना ग्यूड्रे एज हेली स्मिथ जोला हैरिस रिचर्ड रिच स्टोकर डेविड हब एज शरीफ जॉन बाटले वन रॉबर्सन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग एट्रोकर तो इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और ज़मीन पर गिनना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिश फील फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा नक्शा मिलता है मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट ईवान और फ्रेंस उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और काटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में काटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सॉ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे इस वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट और इसे लिखे एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टोन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकू इम्यून इम्यू ग्रीक जरेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दी इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन का अपने कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित एंटरटेनमेंट रीजेंसी एंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स अरेस्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है 13/2/3 और इसका रेनी टाइम एटी 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू ए ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Jaggers as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Doudor, One Eye Orders Yuvanna Gudre as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Husband अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन अजमेनाड मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन टेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील एक, एक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसिसिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो, आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रे सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एस्मिट और इसे लिखे एलन बी एम सीएल इल रॉय और इसे प्रोड्यूस के स्टेन विंस्टन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज़ रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग थे दे डेशमंड हैरिंगटन और इसे स्टारिंग थे एलिजा डूसकू इम्यूनल इम्यूनियुला ग्रीक ज़रेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमेटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन कंपनी कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित इंटरटेनमेंट रिजेंसी इंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है माई थर्टीन टू और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन एलिजा डोसको एजेसिया ब्रूलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यू कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuwana Gudre as Hallie Smith Zoella Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन अजमेनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयर में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के रिच स्टॉकर और स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना पर काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे स्कॉट स्कॉट ईवान और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूंस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सॉ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया और आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल सकल रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट

और इसका रनिंग टाइम है एटी फोर मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लक्शन है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuvanna goodray, as Hallie Smith zola Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयर में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हेली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन टेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिश फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है, है। वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल, और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट ईवान और फ्रांसन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं। जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है। जब वह डरकर पीछे हटती है, तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है। शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रिड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेड सकल हर रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट और इसे लिखे एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टोन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकू इम्यून इम्यू ग्रीक जरेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दी इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन का अपने कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित एंटरटेनमेंट रीजेंसी एंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स अरेस्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है 13/2/3 और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एशिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Jaggers as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Doudor, One Eye Orders Yvonne goodray as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एट्रोकर तो शरीफ इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलैक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिश फिल फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कौर्ट, स्कौर्ट, इवान और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रिड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह नकर्ता करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एस्मिट और इसे लिखे एलन बी एम सीएल इल रॉय और इसे प्रोड्यूस किए स्टेन विंस्टन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज़ रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग थे दे डेशमंड हैरिंगटन और इसे स्टारिंग थे एलिजा डूसकू इम्यूनल इम्यूनुला ग्रीक ज़रेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमेटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दी इलिया किमरिल और इसके प्रोडक्शन का अपने कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित एंटरटेनमेंट रीजेंसी एंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रेस्ट्रेटेड कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है माइट हार्ट इन और इसका रनिंग टाइम है एटी मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन एलिजा डोसको एजेसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यू कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yvonne Gudre as Hallie Smith Zoella Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरिफ जॉन बार्टले, वैन रोबर रोबसन अल्मेनाड द जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एटरोकर तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के रिच स्टॉकर और स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना पर काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे स्कॉट स्कॉट इवान और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं। जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है। जब वह डरकर पीछे हटती है, तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है। शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया और आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सकल रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सिलेश फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉब एचमिट

और इसका रनिंग टाइम है एटी फोर मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लक्शन है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuvanna Gudre as Hallie Smith zuela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन अल मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयर में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के चैट रिच स्टॉकर और हेली स्मिथ वेस्ट वर्जिनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ चट रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हेली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हेली जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट ईवान और फ्रांसन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं। जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है। जब वह डरकर पीछे हटती है, तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है। शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रिड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट और इसे लिखे एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकू इम्यूनिल इम्यू इम्यूनुला ग्रीक जरेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दी इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन का अपने कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित एंटरटेनमेंट रीजेंसी एंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स अरेस्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है 13/2/3 और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एशिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Jaggers as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yovanna Gudre as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसिसन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फ़ोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मेन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एस्मिट और इसे लिखे एलन बी एम सीएल इल रॉय और इसे प्रोड्यूस के स्टेन विंस्टन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज़ रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग थे दे डेशमंड हैरिंगटन और इसे स्टारिंग थे एलिजा डूसकू इम्यूनल इम्यूनुला ग्रीक ज़रेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमेटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए किमरिल और इसके का अपने फिल्म सुमित इंटरटेनमेंट रीजेंसी इंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका डेट रहा है माई थर्टीन टूट और इसका रनिंग टाइम है एटी मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन एलिजा डोसको एजेसिया ब्रूलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यू कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yvonne Gudre as Hallie Smith Zoella Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन अजमेनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हेली स्मिथ वेस्ट वर्जिनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिस फिल फील फिल एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मेनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल, और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रेंसिस उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फ़ोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मेन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंड्रू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को को, उ, को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरहन नकर्ता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया और आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सकल रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सिलेश फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट और इसे लिखे हैं एलन बी एमसी इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टन और ब्रिन इरिक गिलेशम हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकून इम्यन्यूला ग्रीक जेरेमी एसिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए किमरिल और इसकी सुमित इंटरटेनमेंट रीजेंसी इंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका डेट रहा है माई थर्टीन ट्वेंटी थ्री और इसका रनिंग टाइम है एटी फोर मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लक्शन है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuvanna goodray, as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ चट रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन टेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील एक, एक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मेनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता Chris को एक नक्शा नक्शा मिलता है, मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसिसिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद ईवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में काटेदार तार ठूस देता है और उसे इसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रे सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट और इसे लिखे एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टोन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकू इम्यून इम्यू ग्रीक जरेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दी इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन का अपने कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित एंटरटेनमेंट रीजेंसी एंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स अरेस्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है 13/2/3 और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एशिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Jaggers as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setoth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yovanna Gudre as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Husband अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसिसिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो, आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फ़ोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मेन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंड्रू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे इस वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एस्मिट और इसे लिखे एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टॉन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकू इम्यूनिल इम्यूनुला इम्यून, ग्रीक जरेमी एसिस्टो केविन जेगर और इसे सीनेमेटोग्राफी दिए जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए किमरेल और इसके का अपने फिल्म सुमित इंटरटेनमेंट रीजेंसी इंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल इंटेंट और इसका डेट रहा है माई थर्टीन टूट और इसका रनिंग टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन एलिजा डोसकू एसिया ब्रूलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमूनिला के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuwana Gudre as Hallie Smith Zuela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरिफ जॉन बार्टले, वैन रोबर रोबसन अल्मेनाड द जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एटरोकर तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हेली स्मिथ वेस्ट वर्जिनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिस फिल फील फिल एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मन, मेनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल, और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रेंसिस उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फ़ोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मेन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंड्रू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया और आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सकल रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सिलेश फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट

और इसका रनिंग टाइम है एटी फोर मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लक्शन है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एशिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuvanna goodray, as Hallie Smith zuela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयर में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हेली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन टेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील एक, एक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मेनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता Chris को एक नक्शा नक्शा मिलता है, मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसिसिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में काटेदार तार ठूस देता है और उसे इसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रे सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर डू, फ्रांजेशन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट और इसे लिखे एलन बी एम सील इल रॉय और इसे पोडिश के स्टेन विंस्टोन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग दिए दे हैं हैरिंगटन और इसे स्टारिंग दिए इलिजा डूसकू इम्यून इम्यू ग्रीक जरेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दी इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन का अपने कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित एंटरटेनमेंट रीजेंसी एंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स अरेस्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है माई 13/2/3 और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एशिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Jaggers as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Doudor One Eye Orders Yuvanna Gudre as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Husband अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो शरीफ इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन टेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील एक, एक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मेनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर हैं जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसिसिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो, आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रे सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एस्मिट और इसे लिखे एलन बी एम सीएल इल रॉय और इसे प्रोड्यूस किए स्टेन विंस्टन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज़ रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग थे दे डेशमंड हैरिंगटन और इसे स्टारिंग थे एलिजा डूसकू इम्यूनल इम्यूनुला ग्रीक ज़रेमी एशस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमेटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए इलिया किमरेल और इसके प्रोडक्शन कंपनी कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित इंटरटेनमेंट रिजेंसी इंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है माई थर्टीन और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन एलिजा डोसको एजेसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यू कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yvonne Gudre as Hallie Smith Zoella Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरिफ जॉन बार्टले, वैन रोबर रोबसन अल्मेनाड द जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एट्रोकर तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हेली स्मिथ वेस्ट वर्जिनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिस फिल फील फिल एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मन, मेनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल, और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रेंसिस उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगो के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रे सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल सकल रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सिलेश फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट

और इसे सिनेमाटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे के रोज और, इसे इलिया और इसके फिल्म मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका डेट रहा है माई थर्टीन ट्वेंटी थ्री और इसका रनिंग टाइम है एटी फोर मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लक्शन है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuvanna goodray, as Hallie Smith zuela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स, एट्रोकर तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन टेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिश फील फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है, है। वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल, और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट ईवान और फ्रांसन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं। जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है। जब वह डरकर पीछे हटती है, तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है। शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रिड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेड सकल हर रिश्तेदार के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये दो हजार तीन की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एचमिट

और इसका रेनी टाइम है 84 मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमंड हेरिंगटन एज क्रिस फ्लैन एलिजा डोसकू एशिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यूज कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Jaggers as Ivan Rose Lind Lindy Booth as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger orders Gary Robbins as Andrew tooth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yuwana Gudre as Hallie Smith Zoela Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरफ जॉन बार्टले वैन रॉबर्टसन एज मैनार्ड जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एट्रोकर तो शरीफ इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेयरलैक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के छात्र रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे हैल जिससे उससे रस्सी काटना काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन काटेदार तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिश फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं यह कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे कार्ली स्कॉट स्कॉट इवान और फ्रांसन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है जब वह डर कर पीछे हटती है तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रीड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांजेशन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह नकर्ता करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं तो आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सकल के साथ इससे हमारे इस वीडियो का रीच बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में ये 2003 की सलेसर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रॉप एस्मिट और इसे लिखे एलन बी एम सीएल इल रॉय और इसे प्रोड्यूस किए स्टेन विंस्टन और ब्रिन गिलबर्ट इरिक फेज़ रॉबर्ट कोल्जर और इसे स्टारिंग थे दे डेशमंड हैरिंगटन और इसे स्टारिंग थे एलिजा डूसकू इम्यूनल इम्यूनुला ग्रीक ज़रेमी एशिस्टो केविन जेगर और इसे सिनेमेटोग्राफी दी जॉन एस बार्टले और इसे एडिट किए माइकल रोज और इसे म्यूजिक दिए इलिया किमरिल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉन्स्टेंटिन फिल्म सुमित इंटरटेनमेंट रिजेंसी इंटरप्राइजेस अनक्रेडिटेड न्यू मार्केट कैपिटल ग्रुप और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टेंटिन फिल्म जर्मनी सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा है माई थर्टीन टू और इसका रनिंग टाइम है एटी मिनट और ये कनाडा जर्मनी और यार बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 12.6 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं डेजमोन हेरिंगटन एज क्रिश फ्लैन एलिजा डोसको एजेसिया ब्रुलिंगम और इसे क्रिक्यू एज इमिला्यू कार्लेम के रूप में जरिम सिस्टो एज स्कॉट कॉर्बी Kevin Zegers, as Ivan Rose Lind Lindy Both, as Francian Childs Julian Richings as Andre Three Finger Orders Gary Robbins as Andrew Setuth orders Dead Clark as Dudor One Eye Orders Yvonne Gudre as Hallie Smith Zoella Harris as Richard Rich Stoker David Hubbard. अशरिफ जॉन बार्टले, वैन रोबर्न रॉबसन अल्मेनाड द जे ऑर्डर्स जेम्स डोविंग्स एट्रोकर तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं फेरलेक में हुए नरसंहार के कई साल बाद दो कॉलेज के रिच स्टॉकर और स्मिथ वेस्ट वर्जीनिया के एक सुंदर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं जब रिच एक चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे होते हैं, तो हैली की ऊपर चढ़ने में मदद करने से पहले ही उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है कोई हैली की चट्टान पर खींचना शुरू कर देता है जिससे जिससे उससे रस्सी काटना पर काटनी पड़ती है और जमीन पर गिरना पड़ता है वह भागने की कोशिश करती है लेकिन तार की एक लाइन में फंस जाती है और चिल्लाते हुए जंगल में वापस खींच ली जाती है कुछ समय बाद मेडिकल छात्र फील, फील एक व्यवसायिक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरता है वह रास्ता पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मैनार्ड नामक बुजुर्ग महिला की कोई मदद नहीं करता क्रिस को एक नक्शा मिलता है नक्शा मिल और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है वह एक रुकी हुई कार से टकरा जाता है जिसके टायर पंचर हो गए हैं कार कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो कैंपिंग ट्रिप पर है जैसे स्कॉट स्कॉट इवान और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी वे पाते हैं कि उसके चारों और कांटेदार तार लिपटे हुए हैं और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है इवान और फ्रांसिन कारों पर नजर रखते हैं जबकि अन्य लोग मदद के लिए जाते हैं। जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को उसका का, कान जमीन पर मिलता है। जब वह डरकर पीछे हटती है, तो रहस्यमय व्यक्ति उसके मुंह में कांटेदार तार ठूस देता है और उसे उसी तार से गला घोट देता है। शेष समूह एक अलग केबिन पाता है और घर में मानव शरीर के आगो आगों के अंगों को देखकर भयभीत होकर फोन का उपयोग कर उपयोग करने के लिए उत, उ, अंदर आ जाता है जब रहने वाले घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है तीन नरबक्षी इनब्रिड माउंटेन मैन थ्री फिंगर असली नाम आद्रई सौ टूथ असली नामक एंडू और वन आई असली नामक ड्यूडर फ्रांसिन की लाश के साथ कैबिन में प्रवेश करते हैं और छिपे हुए समूह को उसके शरीर के टुकड़े कर टुकड़े टुकड़े कर के खाते हुए देखना पड़ता है नरभक्षियों को सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन उनके उपरह न करता जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं फ्रेंड्स आपका ये वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट करके बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल हर रिश्तेदारों के साथ इससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा